welcome back in the art session in Fun and Learn with the Orchid School. So let's welcome our very talented and creative arts teacher, Sir Mushtaq. Hello, Amir sir. Hello, sir. How are you, beta? I'm good. How about you? I am very much fine. Hello, everyone. I hope you'll be fine at your home. Yes, Amir sir. So, sir, what are you going to teach us today? Today, I am going to teach you a very nice and very beautiful wall hanging frame. Oh, sounds interesting. Yes. We need some material. We need a cardboard. Yes. We need a scale. We need a pencil. Pencil and a sharp scissor. Sharp scissor. A pointer. Pointer and a glue stick or glue tube. Okay. Huh? Okay now. And we have very important two color page. Number one white and number two pink. Pink. Okay. So first, I am going to start from the cardboard. I have to take a cardboard of almost 9 inches by 12 inches. 9 inches by 12 inches ka hume ek cardboard lena hai. Theek hai, like this. 9 inches by 12 inches. Ab hum kya karenge, isme white paper hai, ise hum paste kar denge center mein. Okay. Like this. For that, I need a glue. You have to paste it very smoothly on the middle. Done. Then आपको पता है जो frame होता है, बहुत सारे pictures frame आपने देखे होंगे, उनके borders बने हुए होते हैं. Yes. है ना? तो हम इसका भी border बनाएंगे. Border बनाने के लिए हमें फिर चाहिए एक अदद cardboard. ठीक है, कार्डबोर्ड तो खैर बहुत सारे चाहिए होते हैं मुझे, लेकिन स्ट्रिप्स के लिए हमें इस साइज का कार्डबोर्ड चाहिए. ये ऑलमोस्ट आपकी जो स्केल है, स्केल साइज का होता है. ऐसे देखिए, स्केल ने इसे छुपा दिया है. ठीक है, ठीक है. सो ये हमें कितने चाहिए? चार. वी नीड फोर. दो टॉपर के लिए, दो साइड्स के लिए. Okay. अब हम इस जो साइड बॉर्डर आप देखें, इसे हमें कवर करना है ब्लैक कलर से. इसके लिए मैं ले रहा हूँ एक अदर ब्लैक फेल्ट. इसे मैं रख रहा हूँ साइड में और इस फेल्ट के ऊपर में इस कार्डबोर्ड को लगाऊंगा और इसे पेस्ट कर दूंगा. ठीक है. बाय यूजिंग दिस ग्लू. सेंटर में रखना है. देन इसे साइड से हम फोल्ड करेंगे. इट विल टेक टाइम. ओके, so don't worry, but hope it will turn out great. Yes. ठीक है, फिर हम इस पे पेस्ट कर देंगे ब्लैक कलर का फेल्ट. आप फेल्ट भी यूज कर सकते हैं, आप कार्डशीट भी की जगह भी यूज कर सकते हैं, कार्डशीट भी यूज कर सकते हैं, और कोई रैपिंग पेपर से वो भी आप यूज कर सकते हैं. ठीक है, इट्स टोटली अप टू यू. पेस्ट आपको एक प्रॉपर करना है लाइक दिस. ठीक है, देन अब हम इसे पेस्ट करेंगे. हमने ऑलरेडी टाइम की शॉर्टेज की वजह से हमने ऑलरेडी बना के रखे हैं साइड्स और एक टॉप. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले साइड इसके लगाएंगे. ठीक है, साइड लगाने के लिए हम साइड में लगाए इसे लाइक दिस. एक और साइड हम लगाएंगे जो कि है समिश्ता के राइट साइड, और जो हमें देख रहे हैं उनकी लेफ्ट साइड होगी. देन टॉपर. ग्लू हमें अच्छे से लगाना है. ना अब सेंटर, सेंटर हमने कर लिया इसे बिल्कुल. ठीक है, अब जो इसका बॉटम है, बॉटम लगाएंगे. बॉटम के लिए हम इसे कट करेंगे. ठीक है, ठीक है ना. इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पर हम मिलाएंगे नंबर वन, नंबर टू, यहाँ से लेकर अभी हम कट कर देंगे. फर्स्ट
like this. Done? Yes. अब हमें इसे भी कट करना है, नीचे जो पीस है ना उसे भी कट करना है. अब ये तो हमने खैर पेस्ट कर दिया है, तो हम इसे क्या करेंगे? इसी के ऊपर स्टिक करेंगे. इसके ऊपर स्टिक नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे. क्यों नहीं करेंगे हम इसके स्टिक? हम इसे कट करेंगे कटर के साथ और शार्प कटर. बट बी केयरफुल. यस. व्हेन यू यूज दिस काइंड ऑफ कटर, दिस काइंड ऑफ शार्प सीजर, यू हैव टू बी केयरफुल. सीजर की मदद से इसका कॉर्नर कट कर दिया. नाउ अनदर साइड. डन. अब इस पे ग्लू लगाएंगे. और फिर इसे हम पेस्ट कर देंगे बॉटम बना के इसके फ्रेम के साथ पेस्ट कर देंगे. हमें जल्दी से काम नहीं लेना है, ठीक है? आराम से काम करना है. ठीक है सर. फ्रेम तो बहुत अच्छा लग रहा है. फ्रेम बहुत अच्छा लग रहा है. जब ये इसका सेंटर पीस हम लगाएंगे, 3D फ्लावर्स लगाएंगे, तो वो आपको और भी अच्छा लगेगा. तो ये हमने फ्रेम बना दिया है. फ्रेम तकरीबन तैयार हो चुका है, ठीक है? अब बारी आई है इसे सेंटर आर्टिकल की. सेंट्रल आर्टिकल में हम बनाएंगे फ्लावर्स, 3D फ्लावर्स. फ्लावर्स के लिए हम लेंगे पिंक A4 साइड कलर पेपर. इसे हम रखेंगे साइड पर लाइक दिस. और हमें इसमें से स्ट्रिप्स काटनी है 6x6 की. 6x6 फिट, 6x6 इंचेस या 6x6 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर ऑब्वियसली सेंटीमीटर. ये हम फ्लावर्स छोटे छोटे बनाएंगे, ठीक है? इस फ्रेम के हिसाब से हमें फ्लावर्स छोटे चाहिए. 6x6 में हम सर मुश्ताक ने इस पर रूलर की मदद से निशान लगा दिए. देन 6x6 स्क्वायर हमें चाहिए. अब हम इसे कट कर लेते हैं, ठीक है? ये मैं आपको एक फ्रेम में जितने फ्लावर्स लगेंगे वो बता दूंगा. ऑलमोस्ट 9 to 10 फ्लावर्स हम लगाएंगे इसमें. 9 to 10. बट अब जो मैं आपको बता रहा हूँ वो एक फ्लावर बता रहा हूँ कैसे बनेगा. बाकी फिर जो फ्लावर्स हैं मैंने ऑलरेडी तैयार किए हैं. अब दिस स्क्वायर हैज़ 4 साइड्स एंड 4 कॉर्नर्स. यस. फ्लावर्स बनाने के लिए हम कॉर्नर टू कॉर्नर बनाएंगे, ठीक है? कॉर्नर टू कॉर्नर हमने इसे फोल्ड किया, क्रीज किया प्रॉपरली लाइक ओरिगामी आर्ट. देन कॉर्नर टू कॉर्नर, देन कॉर्नर टू कॉर्नर, देन बैक साइड भी हम ऐसे ही कर देंगे. और फिर हम क्या करेंगे इसमें पेटल शेप दे देंगे. पेटल शेप, ठीक है? पेटल शेप के लिए हाफ राउंड और हम इसे कट कर लेंगे लाइक दिस बाय शार्प सीजर. अब हम जब इसे ओपन करेंगे तो इसका शेप ऐसे आ जाएगा लाइक दिस. वाओ. देन हम इसके सेंटर में शेडिंग करेंगे बाय यूजिंग पॉइंटर, ब्लैक पॉइंटर. बहुत जल्दी लेने करना ये, ठीक है? ठीक है. हमारे साथ हम कितने फ्लावर्स यूज करेंगे?
12 flowers? No. 7? 8 to 10. 8 to 10. Achha. Theek hai. After this kind of shedding, our next step is, हम इसके एक पेटल को कट करेंगे बॉटम तक, देन सेकंड पेटल हाफ एंड कट, हम इस तरह से कट करना है. देन वील यूज अ गम, सेकंड पेटल के एज पे लगाया हमने और इसे इस पर ओवरलैप कर दिया. हमने सेकंड पेटल पे इसको लगाएंगे और इसे इसका पेस्ट कर देंगे प्रॉपरली. वाओ, तो इसका शेप कुछ ऐसे आ जाएगा. नाउ नेक्स्ट स्टेप, हम लेंगे पेंसिल्स. पेंसिल को हम यहाँ सेंटर में रखेंगे और इसको इसके पैटर्न को शेप देते रहेंगे राउंड लाइक दिस. ठीक है, तो एक पैटर्न का शेप आ जाएगा, इसमें एक 3D लुक आता है ना जी, वो आ जाएगा. ठीक है, हम इसको फिंगर की मदद से भी कर सकते हैं लाइक दिस. हाँ, फिंगर से अच्छा हो रहा है ना. फ्लावर इज रेडी. ना हमें कितने फ्लावर्स चाहिए? 8 to 10 जो सर मुश्ताक ने ऑलरेडी यहाँ बना के रखे हैं. हमारे पास यहाँ पर 8 to 10 फ्लावर्स रेडी हैं. साइड में रखेंगे, फ्रेम लेंगे अपना. ठीक है. अच्छा, फ्लावर कहाँ लगे होते हैं? वास में लगे होते हैं ना जी. तो हमें वास बनाना है. वास बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक इसी पेपर को लेते हैं, मैं आपको बता देता हूँ. राउंड किया हमने, ठीक है, एक हाफ शेप दी अपने वास की लाइक दिस. ठीक है, ठीक है, ये हाफ शेप है. जब हम इसे कट करेंगे तो इसका शेप कुछ ऐसे आ जाएगा जो कि समुशाक ने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है लाइक दिस. अब हम इसे पेस्ट करेंगे अपने इस फ्रेम पर, अपने इस ब्यूटीफुल फ्रेम पर. है, यस, आई होप कि आपको ये अच्छा लग रहा होगा. हमारे साथ अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है? बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लग रहा है. हमने इसे सेंटर किया लाइक दिस. देन इसके बाद हम ड्रॉ करेंगे समथिंग स्पेशल. स्पेशल इसे मुश्ता क्या बना रहे हैं? फ्लावर्स की स्टेम. यस, वेरी गुड, जीनियस गर्ल. थैंक यू. गुड गुड. अब हम इसे मजीद इसकी जो ब्रांचेस है वो बनाएंगे इसमें. ठीक है. डन? यस. इट्स टाइम टू पेस्ट द फ्लावर्स. फ्लावर्स, फ्लावर्स के लिए हम क्या करेंगे, हम लेंगे ग्लू गन. ठीक है, हीट गन, इससे हम इसके बॉटम पे लगाएंगे और वन बाय वन करके पेस्ट कर देंगे प्रॉपरली, बट इट विल टेक टाइम. ठीक है, ये 3D है, 3D में थोड़ा सा टाइम लगेगा जी. ठीक है जी. हम और भी लगा रहे हैं यहाँ पर. जब तो हम सेकंड वाले पे लगाएंगे, फर्स्ट वाले जो है वो
क्या हो जाएगा? अच्छे से पेस्ट। अच्छे से पेस्ट हो जाएगा, बिल्कुल। कितने फ्लावर्स लगा दिए हमारे सामने? फाइव। वेरी गुड। यहाँ लगा दी, यहाँ लगा दी जी। सिक्स, सेवन, एंड एट। यहाँ लगा दू जी। डन। हम इसे थोड़ा सा प्रेस करके रखते हैं। सेंटर में लगा दी? नहीं लगाऊ, ज्यादा हो जाएगा ना जी। तो हमने कितने फ्लावर्स यूज किए इसमें? एट फ्लावर्स। और नाज़रीन ये रेडी, फ्रेम रेडी हो चुका है। सर इट रियली लुक्स ब्यूटीफुल, है ना? यस। और बहुत इजी भी बन जाता है जी, है ना? तो क्या आप ये घर पर ट्राई करेंगी? बिल्कुल, है ना? अच्छा ऑडियंस प्लीज आप भी घर पर ट्राई कीजिए, बहुत इजी और बहुत अच्छे से बन जाएगा। और जब आप इसे फ्रेम में लगाएंगे और फ्रेम में लगा के अपने घर पे जब इसे वॉल पे लगाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। यस, अगर आप लोगों को ये आर्टवर्क पसंद आया इसे घर पर जरूर ट्राई कीजिएगा। और टिल देन स्टे सेफ, स्टे एट होम एंड अल्लाह हाफिज़। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। बाय बाय।